वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएस ब्लॉग। सो गाइस आज है गुरु पूर्णिमा। सो गाइस मेरी और पूरी मेरी टीम की तरफ से आप और आपकी फैमिली को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइस आज का जो ब्लॉग होने वाला है, आज हम जा रहे हैं तिलपत गांव में जो कि फरीदाबाद में है। वहां पर है बाबा सूरदास जी महाराज का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, जहाँ पर आज लाखों हजारों में भक्तों की संख्या वहाँ पर पहुंचेगी बाबा के दर्शन करने के लिए। और आज बहुत ही विशाल भंडारा वहाँ पर होने जा रहा है। सो गाइस बहुत अच्छा। अरे यार पन्नी नहीं मिली भंडारे की सब्जी रखने के लिए। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले तारे नीचे। अरे नहीं मिली सारी नीचे। सो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, बहुत ही अच्छा ब्लॉग होने वाला है, बने रहे क्योंकि आज देखते हैं भीड़ के अंदर क्या होने वाला है। मतलब हम खुद एक्साइटेड है कि किस तरीके का व्यू होने वाला है। बहुत ही ज्यादा भीड़ है, बहुत ही ज्यादा। सो गाइस बने रहे आप अपने यूट्यूब चैनल पीएस ब्लॉग के। गाइस हम पहुंच चुके हैं बाबा सूरदास जी महाराज के मंदिर में, तिलपत गांव के अंदर है हम, और तो बाबा के दर्शन कराने जहां पर बाबा ने समाधि ली है। हम आ चुके हैं समाधि स्थल में और आइए दर्शन। सो गाइस मंदिर का देखिए आज कितना ज्यादा, मतलब कितनी ज्यादा भीड़ है मंदिर में। सो गाइस मंदिर में हो रहा है कीर्तन, बहुत ही अच्छा कीर्तन यहाँ पर होता है हर साल। तो गाइस आइए देखते हैं। गुरु पूजा बाबा की आ गई, अरे भारी भीड़ गुरी मेला में, अरे या मेला। लेकिन एक सेकंड मैं सखी, मैं सखी छिड़ गया भारी गुंड, ना जाने वास्ता मेरी कहां, मेरा खो गया बाजू, मेरा खो गया, खो गया बाजू, तेरा किया आग लगा दी, आग लगा दी। गाइस ये समाधि स्थल और हम समाधि स्थल से सीधा अंदर जाएंगे बाबा के दर्शन करेंगे। सो गाइस आज है बहुत ज्यादा भीड़, काफी लंबी लाइन है और भी श्रद्धालु अब धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। सो गाइस ये है बाबा सूरदास जी महाराज की समाधि स्थल, जहां पर बाबा आज भी विराजमान है सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद देने के लिए। ऐसे कैसे चलेगा दीदी, क्या बढ़िया था गुरु। बहुत भीड़ है और बाकी गर्मी है ना भाई, बहुत भयंकर गर्मी, फिर भी हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं आपके लिए। एक और अमेजिंग व्यू दिखाते हैं यहाँ से, जो कि ये कुंड। शुक्र करा गुरु जी थोड़ा, शुक्र करा, शुक्र करा गुरु जी थोड़ा, शुक्र करा तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी, शुक्र करा गुरु जी, शुक्र करा। गाँव के अंदर बाबा जी के धाम के पास ही श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर, हनुमान जी मंदिर भी स्थित है, तो आप सभी देखें, दर्शन कराते हैं श्री बालाजी महाराज के आप सभी को। आई जी दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार,
पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार श्री राम जानकी से आपको हम लोग परिक्रमा लगा रहे हैं परिक्रमा मार्ग पे भाई। अभी बहुत ज्यादा गर्मी भी है और बहुत भीड़ है। जहाँ पर हम जाने वाले वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होगी क्योंकि वहाँ पर हो रहा है तो हमने पन्नियाँ खोज लिया। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह। और बहुत खुशी की बात है, पन्नी का जुगाड़ हो चुका है। सो गाइस शाम की व्यवस्था यहाँ पर हो गई है तो इसका बहुत हम लोगों को इंतजार था कि पन्नी मिल जाए। हाँ, मिल गई है पन्नी और हम लोग जा रहे हैं अब शिव जी के मंदिर। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना। तो यहाँ लस्सी शरबत सब बट रहा। सुबह से आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, आज काफी दिनों बाद मुझे मेरे आदरणीय गुरु जी मिले। इन्होंने हमें बचपन से स्कूल में बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है तो गाइस बहुत अच्छा लगा। और आज मैं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज मैं मंदिर के बारे में, क्योंकि सर भी मंदिर में ही यहाँ तिलपत गाँव में ही रहते हैं तो इनके लिए मतलब इनको सबसे ज़्यादा पता होगा। तो सर से गुजारिश है कि आप थोड़ा सा मंदिर के बारे में, बाबा की मान्यता के बारे में बताएं। बहुत अच्छी बात है बेटा, और पहले तो बहुत बहुत आशीर्वाद, खूब परमात्मा तुम्हें धन धान्य से संपन्न करे, खूब तरक्की दे, जीवन में कामयाब हो अपने अपने जीवन में और मन चाहे इच्छा पूरी करें। रहा मंदिर का सवाल, तो पहले तो जो अपना गांव तिलपत है पांडवों के द्वारा मांगे गए 5 गांवों में से एक है और ये ऐतिहासिक गाँव है। उसके बाद जो हमारा ये मंदिर है, बाबा सूरदास जी का मंदिर है जो सबसे प्रमुख मंदिर है, और सभी गांव में बाबा के मंदिर हैं लेकिन जो सबसे बड़ा और प्रमुख मंदिर है वो तिलपत धाम का मंदिर है और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है और मैं भी अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझूंगा कि बाबा की असीम कृपा मेरे ऊपर भी बरसे और बरसती है। मुझे जो है बाबा ने ही रोजी रोटी दी है और बाबा का इतना चमत्कार है कि जो भी यहाँ कोई उम्मीद लेकर आ गया 101% जो है उसके सकल मत पूर्ण हुए, जो भी इच्छा लेकर आ गया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं और ऐसे उदाहरणों से बाबा की जो है ना एक पुस्तक भरी पड़ी है जो यहाँ वितरण होता है फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क मिलती है वो, है ना, कोई भी ले जाओ। और बाबा का गुणगान, उसमें पूरी कथाएं बाबा की, कितने संत लोग जुड़े, कहाँ से बाबा आए और कैसे कैसे उन्होंने यहाँ जीवन यापन किया, लोगों ने पहले उनके साथ कैसा व्यवहार किया, बाद में कैसे पूजनीय हुए और कैसे कैसे अपना वर्चस्व यहाँ स्थापित किया, सारा कुछ इसमें भरा हुआ है। दूसरा कि आज भी जो है बाबा यहाँ साक्षात रूप में दिखाई देते हैं,
आप सच्ची श्रद्धा भाव से बाबा को अपने आप को समर्पित करो, उनको याद करो, वो आपको जरूर साक्षात्कार देते हैं स्वप्न में आकर और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। ये मेरा विश्वास है क्योंकि मैं भोगी हूँ उस बात के लिए। और जो भी आपकी इच्छा है, आप कभी भी आए, जैसे मंगलवार को मेला लगता है बाबा का, है ना, तो बहुत विशाल मेला लगता है और हर मंगलवार भंडारा चलता है, हर पूर्णिमा को इतनी भीड़ है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आज भी सर हम देख रहे हैं जैसे कि मतलब यहाँ से वहाँ तक 2 किलोमीटर तक बिल्कुल जाम ही है और ये हर गुरु पूर्णिमा पे मतलब बढ़ता ही जा रहा है हर पूर्णिमा को। पूरी दिल्ली एनसीआर भी नहीं है और भी अदर स्टेटों से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बाबा के श्रद्धालु हैं जिन्होंने बाबा को गुरु बना रखा है, बाबा से दीक्षा ले रखी है, है ना, तो वो लोग भी आते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु का पर्व है, तो बाबा के तो जितने भी हम गुणगान करें उतने कम है ना। और आप भी अगर अपना कुछ मनोभाव लेकर आए हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि आप बाबा के सामने नतमस्तक होकर अपने मनोभाव को रखें। आपका आशीर्वाद बिल्कुल भाई, हमारा आशीर्वाद जरूर आप सभी के साथ है। सभी बच्चे खूब पन्नी लेके पूरी तैयारी में, और गांधी भाई की शक्ल इसलिए बन रही है क्योंकि इनकी पन्नी इन दोनों ने छीन ली है और मतलब सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है इन्हें। तो गाइस आप देख सकते हैं ये भंडारे में ये सब्जी, ये वो सब्जियां होती हैं भंडारे की जो मुझे लगता है कि किसी 5-स्टार होटल में या इंडिया में कोई ऐसा होटल नहीं जो इन्हें बना सके। बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है और आप देख सकते हैं बूंदी प्रसाद है और पूड़ी प्रसाद है, इसी तरीके से सभी लोगों को ये प्रसाद दिया जा रहा है। साहब कुछ खाने को दो ना साहब, साहब कुछ खाने को दो ना साहब। और ये है हमारे मैनेजर साहब जो हमारे कर्ता धर्ता हैं इस ब्लॉक के, अंकुश सक्सेना। कैसा लग रहा है अंकुश आज? बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बड़ा मस्त आने में तो बड़ा ही मजा आ गया छोरा। कृष्णा भाई चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर। तो गाइस वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना,
बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, आप सभी ने देखा होगा वीडियो के अंदर। सो गाइज, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें हमारे साथ, क्योंकि जैसे आपने फर्स्ट ब्लॉग को अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया। सो गाइज, बने रहें आप अपने चैनल यूट्यूब चैनल पीएस ब्लॉग के साथ। सो गाइज, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, क्योंकि आप लोगों के बिना हम कुछ भी नहीं है। सो गाइज, आप अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का सपोर्ट देखकर। वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय 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 बाय।